हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक ऐसा क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक इस पे जेईई और नेट जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल पुट ऑन किए जाते हैं और फिर पूछा जाता है ये कौन सा है, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। इट इज वेरी इजी ना। What is aromatic? पिछले इसमें वीडियो में मैंने आपको बोला है aromatic this word actually is given from the word aroma. aroma का मतलब होता है एक particular kind of fragrance या फिर आप smell कह सकते हो। Okay? Now aromatic compounds को सिर्फ ऐसे जज कर रहे हैं किया नहीं जाता है। अब अगर हमें उसे aromatic compound कहना है तो उसे Huckel's rule follow करना पड़ता है। So Huckel's rule जो है, according to the Huckel's rule, those compound which follow those condition, particular conditions, right? अगर उन्होंने वो particular condition follow कर ली तो हम उसे aromatic compound कह सकते हैं। सबसे पहली condition आती है बच्चों, cyclic होना चाहिए। अब cyclic क्या होता है ये पिछले lecture में हमने देखा है, तो आपको पता है अगर पहला और आखिरी वाला कार्बन उनके बीच में अगर बॉन्ड आ जाता है तो एक cyclic ring like structure बन जाता है, उसे हम cyclic structure कहते हैं। Okay? Second thing, वो planar होना चाहिए। Now When I'm saying it is planar, इसका मतलब उसमें जो कार्बन एटम्स है वो sp2 hybridize होना चाहिए। उसने क्या दिखाना चाहिए? sp2 hybridization, okay? Third point, cyclic होना चाहिए, planar होना चाहिए। It should have a conjugated system. अब आपको पता है conjugated system कब कहते हैं? अगर unsaturated system है जिसमें पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, राइट? तो उसे हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, उसमें 4n+2 पाई कॉन्जुगेटेड और डी इलेक्ट्रोलाइज होना चाहिए, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, राइट? वेयर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इंटीजर। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। यस, यू कैन बी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। अब देखो, ये अभी तीन पाई बॉन्ड्स है, तो तीन पाई बॉन्ड्स है इसका मतलब टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन से। अगर हमने n इज इक्वल टू 1 लिया तो फॉर्मूला देखो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो हियर इट विल बी 4 × 1+2, दैट इज इक्वल टू 4 × 1 = 4 + 2 = 6। तो अगर उसमें 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, तो अब ये जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया है ये एरोमेटिक है, राइट? तो इसका मतलब अगर जो फॉर्मूला उसने दिया है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उतने इलेक्ट्रॉन अगर उसमें हो गए, उस कंपाउंड में हो गए, तो वो जो कंपाउंड है उसे हम क्या कह सकते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, तो ये जो कंपाउंड आपको दिया है ये कौन सा है? फिर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट था एंटी एरोमेटिक। अगर आपने देखा हुकेल्स रूल की जो कंडीशन है वही वो फॉलो कर रहा है, सिर्फ लास्ट कंडीशन जो है ना वो वैरी हो रही है। इसका मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी साइक्लिक होते हैं, सेकंड थिंग वो भी प्लेनर होते हैं, ठीक है, थर्ड बिट दे आल्सो शो द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम याद रखना है आपको, एंड द फोर्थ वन यहाँ पे 4n पाई कॉन्जुगेटेड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेयर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 एक्सेट्रा। यहाँ पे एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 है और यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1, 2, 3। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, ये दोनों में अलग है। अब हम एग्जांपल ले सकते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन के एग्जांपल ले लो। अब देखो, अगर हमने एन इज इक्वल टू 1 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 4n × 1 pi electrons, that is equal to what? 4
पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आप देखो यहाँ पे दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड है मतलब टू बॉन्ड्स, टू पाई बॉन्ड्स, इसका मतलब कितने हो गए, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर n इज इक्वल टू वन तो यहाँ पे फोर पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें फोर पाई इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड बन गया, ये बन गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बन रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। फिर सवाल आता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहना है। ये जो कंडीशन दी है ना, इसमें से अगर कोई भी कंडीशन उसने फॉलो नहीं की तो उस कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। सो इट एक्चुअली डू नॉट ओबे एनी ऑफ दिस कंडीशन, आप कह सकते हो इसमें से एनी ऑफ द कंडीशन, एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट ओबेड, देन यू कैन कॉल इट। आप एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम इसमें, यस। अब आपके ध्यान में आ रहा है ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो रहा है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो रहा है तो आप इसे क्या कहोगे, हमें क्या चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, अब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ रहा है, सो यू कैन सी इट इज अ नॉन कंजुगेटेड। आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो नॉन प्लेनर हो गया, राइट। सो यू कैन सी इट इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सो इट इज एक्चुअली नॉन प्लेनर, ठीक है। नेक्स्ट और आ रहा है कि नॉन कंजुगेटेड सिस्टम, आप बोल दो उसे, सो ये नॉन कंजुगेटेड सिस्टम हो रही है। नेक्स्ट थिंग इसमें और एक हम बोल सकते हैं, और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन चेन है, इट इज नॉट साइक्लिक, राइट। अगर ओपन चेन है नॉन साइक्लिक है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्या कह सकते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस है, ये आपको देखने हैं, अगर ये बेसिक कंडीशंस फॉलो हो रही है तो आप कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हो, ओके, नो डाउट। सो कंपाउंड्स आर एक्चुअली क्लासिफाइड एज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ये जो कुछ क्राइटेरिया है अगर ये आपको समझ में आ गए तो इस पे कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम सॉल्व करेंगे, तो ये एग्जाम्पल्स जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ओके। सो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, विल स्टॉप हियर।